हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचटीएमएल प्लेलिस्ट ऑफ दिस सीरीज़। दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव और ये है लेक्चर नंबर 28। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एचटीएमएल क्लासेस के बारे में बताया था और इस लेक्चर में मैं एचटीएमएल आईडीज़ के बारे में और उसके क्या स्कोप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो सब भी बताऊँगा और हो सके तो कुछ और टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए आईडी के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। जैसे हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं ठीक उसी तरह से आईडी का भी यूज़ है, लेकिन उसके बारे में बीच में एक डिफरेंस है और उसके फॉर्मेट जो होता है उसका यूज़ करने का उसमें भी डिफरेंस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 28.html। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, html, फिर इसके बाद बॉडी। बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज h1 फिर h2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज id example। ठीक है, तो h2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास के बजाय id एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो यानी कि एट्रीब्यूट का नाम ही id है। तो यहाँ id एट्रीब्यूट यूज़ होगा। ठीक है, और इसमें जो हम वैल्यू देंगे, यानी कि जैसे कि मैं लिखता हूँ ए, ठीक है, तो इसको लिखने में तो कोई अंतर नहीं रहेगा, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब हम इसको जाएंगे हेड में और हेड में स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके यहाँ पे हम और फिर इसमें जाके हम यहाँ पे हैश। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है हैश ए ब्रेस। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। अब बाकी सब कुछ सेम है, प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी सपोज मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर कर दूँ मैं ग्रीन। ठीक है, और इसका मैं फॉन्ट साइज कर दूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास क्या करता है, पूरा अल्टर कर देता है, तो फॉन्ट साइज में कर देता हूँ 80 पिक्सल्स, काफ़ी लार्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं, एचटीएमएल फोल्डर लेक्चर नंबर 28, दिस इज़ आईडी एग्जांपल। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 28.html। तो हमने कैसे आईडी का यूज़ किया, लेकिन अब डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंसेस ये हैं कि आप एक से ज़्यादा एलिमेंट पे इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंस है आईडी और सीएसएस में। मैंने आपको सीएसएस में बताया था कि कैसे मैं एक ही क्लास को, यानी कि क्लास मैंने जो एम लिया था एग्जांपल, उसमें उसको मैंने कैसे ही दोनों टैग h2 में और p में भी यूज़ किया था, लेकिन मैं इसको अब मैं p में यूज़ नहीं कर पाऊँगा। सपोज़ मैं यहाँ पर देता हूँ id। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज अगेन id a। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं कोशिश करता हूँ करने की, और ये देखिए ये ग्रीन भले ही हो गया, लेकिन अगर जैसे कि इसमें आपने देखा कि इसका फ़ॉन्ट साइज में वो बात नहीं है, राइट। और इसको मैं एक बार फिर से एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इसको भले ही मल्टीपल पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि कैसे हम दोनों का कलर ग्रीन आ रहा है, लेकिन इसको एक खास पर्पज़ के साथ एक आईडी देने के लिए यूज़ किया गया, यानी कि हम एक टैग के साथ उसको आईडी नाम देते हैं और इसका जावास्क्रिप्ट में और स्कोप बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कैसे इसको मैं मल्टीपल यूज़ कर रहा हूँ तब भी आउटपुट आ रहा है, लेकिन इसको एक खास नाम के लिए, एक आईडी देने के लिए हम इसको आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही मैं और जो अपना अगला टॉपिक है वो इसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो मेरा अगला टॉपिक जो है वो है आई फ्रेम्स। ठीक है, आई फ्रेम्स में क्या है, इसमें जो हम डिस्कशन शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से है कि अब जैसे कि आपको, आप चाहते हैं कि आप वेब पेज को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 3-4 पार्ट में डिवाइड करके आप अलग अलग इंडिविजुअल फ्रेम पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये HTML की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको मैं आपको एक केवल यहाँ पे सिंटेक्स बताता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ा अगले लेक्चर में भी और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो फ्रेम होता है, पहली बात तो इसको आई फ्रेम में हम यूज़ करते हैं।
ठीक है, आई फ्रेम, और इसका जो सिंटैक्स होता है यानी कि आई फ्रेम इक्वल SRC और URL, ठीक है, आप यहाँ पे URL दे देंगे और फिर यहाँ पे टाइटल, टाइटल टाइटल में आप डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक है, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फिर उसके बाद ये लिखेंगे और फिर इसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज इंक्लूड अ टाइटल, ठीक है, और टाइटल इंक्लूड करने से उस पर नाम उसका बना रहता है, और साथ ही साथ हम हाइट विड्थ भी इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। चलिए तो फिर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक फ्रेम डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTML फ्रेम्स, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ P2, P2 में लिख देता हूँ वी कैन एडजस्ट हाइट वेट ऑल्सो, ठीक है, वी कैन एडजस्ट हाइट विथ ऑल्सो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो फ्रेम रहेगा ना इसका सोर्स हम सपोज लिख देते हैं लेट सपोज google.com, ठीक है, google.com, और टाइटल हम कह देते हैं यहाँ पे कि एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो गया, और इसके बाद हम इसकी हाइट विड्थ भी सेट कर देते हैं। तो हाइट विड्थ कैसे सेट करेंगे, स्टाइल सीधे बना लेते हैं, ठीक है, स्टाइल में क्या क्या कहते हैं, हाइट आप कर दो 500 पिक्सल्स और आप विड्थ कर दो इसकी 500 पिक्सल्स, ठीक, ये हो गया, स्टाइल सेट हो गई, और टाइटल दे दिया हमने, SRC हो गया और ठीक है, आई फ्रेम क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सिंपली हम इसको रन करेंगे, सेव करते हैं और वॉच करते हैं लेक्चर में। तुमने क्या देखा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार मैं क्या करता हूँ, कोडिंग इजी को कॉपी कर लेता हूँ और इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। यस, ठीक है, और ये सेव कर देते हैं। चलिए इसको अब रिफ्रेश करते हैं। कोडिंग इज रिफ्यूज टू कनेक्ट, ओके, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो भी हो लेकिन इस तरह से हम इसमें फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।